नमस्कार, स्वागत है आपका अजना न्यूज लाइव में। कर्नाटक में चल रहा ड्रामा अब तक थमा नहीं है। कांग्रेस और जेडीएस के 14 विधायकों ने स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसके बाद स्पीकर ने 14 में से 9 विधायकों का इस्तीफा ये कहकर खारिज कर दिया कि वो इस्तीफे सही फॉर्मेट में नहीं थे, जिसके बाद कांग्रेस और जेडीएस के बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई है। कांग्रेस हर तरह की कोशिश कर रही है अपने विधायकों को मनाने की, लेकिन विधायक हैं कि अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस ने एक अलग कोशिश भी की, जहां मुंबई के एक होटल में कर्नाटक के 10 बागी विधायक टिके हुए हैं, वहां कांग्रेस ने राज्य सरकार मंत्री डीके शिवकुमार को भेजा इस उम्मीद में कि वो उन विधायकों को मना लेंगे। लेकिन विधायक कहां कम है, विधायकों ने पुलिस को खत लिखकर खतरा महसूस होने और साथ ही धमकी मिलने की बात कही, जिसके बाद जब डीके शिवकुमार होटल पहुंचे तो उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने होटल के अंदर एक कमरा बुक कराया है, अंदर उनके कुछ मित्र हैं, आपस में एक समस्या हो गई है जिसे सुलझाने की जरूरत है, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। और इसी बीच होटल की तरफ से जो कमरा डीके शिवकुमार के लिए बुक कराया गया था उसे कैंसिल कर दिया गया। डीके शिवकुमार भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है वो अपने मित्रों से बात कर ही लौटेंगे। लेकिन जहां कांग्रेस के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, वहां दूसरी तरफ बीजेपी के लिए अच्छा मौका है। बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर इन विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो जो कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन की सरकार है वो गिर जाएगी और बीजेपी के लिए मौका बढ़ जाएगा। तब बहुमत के लिए 106 विधायकों की जरूरत होगी और बीजेपी को सिर्फ एक विधायक की दरकार होगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या डीके शिवकुमार अपने विधायकों को मना पाएंगे या फिर बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। बाकी खबरों के लिए देखते रहे अजना न्यूज़।